ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ण प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम का धारण करने का अधिकारी होता है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्र ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदा अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है, पुरोहित, मंत्री आदि, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला होता है, उसे कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं खेत जोतता है, उसे शुद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला अपरद्रोही है, उसे चांडाल दुष कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजस्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा होता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का कार्य करता है, उसे ब्रशल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्णस से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख में सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात को पिछले पहर जब उस काल में जाना चाहिए, उसका अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर दुष को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरे दिशा में मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग कर उठने पर फिर उस मल को ना देखें तथा किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काट से जल के बाहर दंतवन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके पश्चात धौत वस्त्र लेकर पांच कच्छ करके उसका धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं। वहां पत्थर पर या स्थल पर जल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। दिजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है, वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्र रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा तिपुनरु लगाएं। इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही इष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यश छायाए इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही इष्ठा
इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक के जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अथवा स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्रमा मनुष्य इत्यादि का सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्रय तथा मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रोक्षण करें। मध्यान्ह काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्व व्रत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल के संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्यान्ह काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को 1 ही अर्घ्य देना चाहिए, फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्यान्ह के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देवता के लिए अर्घ्य दें, फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायंकाल संध्या का समय नहीं होता है। ठीक समय पर संध्या करना चाहिए, ऐसे शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्राश्चित करना चाहिए। यदि 1 दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए दिन के सायंकाल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त स्वगायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म से लुप्त हुए 10 दिन से अधिक दिन बीत जाए तो उसके लिए प्राश्चित के रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकीय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मापण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त्र मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्नान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के आ, ऊ तथा मा, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि इन तीनों लोकों के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चित ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जाप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यान्ह काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय
यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रतार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रतार तक 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। उन्हीं विदेश्वर आदि का, ब्रह्म रत्न आदि में इन शरीर में बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार रूप महत्व से लेकर पंचभूत पायंत तत्वों से बना हुआ शरीर जो है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अपजा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप करना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप ना किया हो, उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन करें। इसके बाद ग्रह त्याग का संन्यास ले लें। परिब्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जाप करें। यदि एक दिन में इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना ही मंत्र और अधिक जपना चाहिए तथा सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास में आदि इसका उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु के नियम का ग्रहण करें। ऐसे करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावनाओं से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म अथवा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण की तो सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की सद्भावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्वाधास धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख और अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिस घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को 100 वर्ष के लिए जीविका देता है। उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय
दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद-वेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अतः मैं न्यायतः धर्म के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और न अत्यंत क्रेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्यकृति और गौ रक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा पुरुषों को गुरु कृपा, मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्ण निवृत्तियों के लिए जल तथा शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष भोज, लोह तथा चूर्ण, ये चार प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म करने का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर लेता है, अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के तीन भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, नित्य नैमित्तिक और काम में। ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित तथा पवित्र भोग भोगें। खेती से पैदा किए हुए धन का दसवां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि का उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पार पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। बुद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुआ धन का छठा भाग दान कर देने के योग होता है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों, दोष बस दूसरों को सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बातें ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा कर देने वाले हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद, इनके द्वारा विधि पूर्वक थालीपाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित कर दें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लेने से आत्मज्ञान तथा इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा तथा गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मण को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं।